ओ नमस्ते दोस्तों, मैं ससी आज आपके लिए लेके आई है मिक्स वेज पराठा। आप इसको मिक्स वेज का पराठा भी बोल सकते हैं या मूंग दाल पराठा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें काफी सारी सब्जियां मिक्स करके पराठा बनाया हुआ है। और ये हरा धनिया की चटनी के साथ बनाई हुई है और सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आप भी जरूर ये नाश्ता बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा और स्वस्थ रहेगा। आइए बताती हूँ मैं इसको बनाने की विधि। बनाने के लिए देखिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले मैंने ये एक कटोरी सूजी जो भिगा के रख दी थी 2-3 घंटे पहले, और ये मोटे वाले चावल हैं, एक कटोरी चावल ये भी भिगा के रखे हुए हैं 3 घंटे पहले, और ये मूंग दाल है ये भी 3 घंटे पहले भिगा के रखी हुई है। इन्हें सब मैं मिक्सी में पीस लूंगी। और इसमें सब्जियां क्या क्या मिलानी है, कौन सी वेजिटेबल मिलानी है, देखिए बीन्स है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, ये टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया। आप इसमें और भी सब्जियां मिला सकते हैं, गाजर, जो भी आपकी पसंद है। और आइए बताते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले ये सारी वेजिटेबलों को बारीक बारीक चॉप करके काट लेना है। ये देखिएगा ऐसे करके, और इसको अच्छे से बारीक ऐसे कर ले। ऐसे करके सारी सब्जियां हम काट लेंगे। ये देखिएगा मैंने ब्रोकली बारीक काट ली, शिमला, ये टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च भी इसे मिक्स कर लिया बारीक काट के, और ये बीन्स हैं। आप टमाटर की जगह दही भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें दही नहीं डालूंगी, मैं टमाटर ही डालूंगी। और ये सब्जियां तो मैंने काट ली हैं। अब देखिए, अब लिया मैंने ये मिक्सी का जार, इसमें मैं सबसे पहले ये चावल डालूंगी और ये सारे इंग्रेडिएंट बारीक करके मिक्सी में पीस लेंगे। ये चावल हमने पीस लिए बारीक करके, और अब डालेंगे हम ये मूंग दाल और ये सूजी इकट्ठे ही पीस लेंगे, और इसमें डालूंगा मैं 2 से 4 कलियां लहसुन, पिंच भर थोड़ी सी देखिए हींग, थोड़ा सा ये हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्च, और ये एक मीडियम साइज का टमाटर, क्योंकि मैं इसमें दही नहीं मिला रही हूँ तो मैं इसमें टमाटर मिलाऊंगी, और इसे बारीक करके पीस लेंगे। तो देखिएगा ये मिक्सर भी हमने पूरा मिक्स कर लिया, पीस लिया है, और देखिए कितना अच्छा कलर इसका भी आ रहा है। ये टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, हींग की खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और अब मिलाऊंगी मैं इसमें ये 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, और चटपटा स्पाइसी है तो थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम सारे मसालों को। देखिएगा ये बैटर बहुत अच्छा बन गया है। और अब मिलाएंगे हम इसमें सारी सब्जियां, ये ब्रोकली खूब सारी, प्याज, बीन्स, और ये टमाटर, हरा धनिया, और ये शिमला मिर्च। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इनको। ये देखिएगा बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन रहा है और बहुत ही स्वादफुल बनेगा और बहुत जल्द बनने वाला है नाश्ता है। आइए बनाते हैं इसको। फ्रेंड ये 10 मिनट इस बैटर को रेस्ट दिया था मैंने 10 मिनट के लिए, और अब मैंने इधर ये पैन रख दिया है गैस के ऊपर, और इसमें डालेंगे हम ये ऑयल, तेल गरम हो गया, अब डालेंगे हम ये बैटर को। अब देखिए ऊपर से भी पीला पीला हो गया, तो सोचो ये नीचे से अच्छी तरह से पक गया, और अब हम इसे धीरे से पलट देंगे। ये देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से पक गया, और इसे हम मीडियम आंच पे पकाएंगे दूसरी साइड से अच्छे से। तो देखिएगा ये मिक्स वेज पराठा बोलूंगी मैं इस नाश्ते का नाम, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया। देखिए ये देखिएगा ये पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है,
तो ये बन के रेडी हो गया, इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट में इधर, ये देखिएगा, और ऐसे करके और बना लेंगे। बिल्कुल आप नॉन स्टिक पैन है, इसमें तेल नहीं भी डालोगे तो चलेगा, मगर मैं 2 बूंद तेल डाल दूंगी और ये ताकि अच्छे से सिक जाए इसमें ये मिक्स वेज पराठा। आँच मीडियम ही रखेगा ताकि ये देखिएगा कि अच्छे से सिक जाए, अंदर तक पक जाए, सब्जियां पक जाए इसमें। तो देखें ये भी सिक गया अच्छी तरह, ये देखिए, और बिल्कुल बिना तेल का ये समझो, 2 बूंद तेल में ये नाश्ता हमारा बन रहा, हेल्दी नाश्ता। और ऐसे करके हम सारे बना लेंगे, आप भी बनाइएगा। बिना तेल में भी ये नाश्ता बनाऊंगी मैं, ये देखिएगा तेल बिल्कुल भी नहीं डाला और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बिना तेल का भी ये नाश्ता बन जाता है। तो देखिए बिना तेल के भी बिल्कुल नहीं चिपकता है, ये देखिए। आप इसे नॉर्मल तवे में भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें चावल है, सूजी है, तो क्रिस्पी ये पराठा बन रहा है अच्छा सा। तो देखिएगा ये मिक्स वेज पराठे बनके हमारे रेडी हो गए, और आप इसे ये वो पुदीना धनिया के चटनी के साथ सर्व करिएगा या सॉस के साथ, और ये मैंने हरे धनिया की चटनी और ये चाय के साथ सर्व करवाया है। और आप ये रेसिपी जरूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।